1303 में आज के दिन अलाउद्दीन खिलजी ने राणा भीम सिंह को हराने के बाद चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया। 1541 में आज के दिन तुर्की के सुल्तान सुलेमान ने बूढ़ा और हंगरी को अपने कब्जे में किया था। 1676 में आज के दिन ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल का जन्म हुआ। 1910 में आज के दिन भारत रत्न से सम्मानित मदर टेरेसा का जन्म हुआ। मदर टेरेसा ने वर्ष 1949 में गरीब, असहाय और अस्वस्थ लोगों की मदद के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जिसे वर्ष 1950 में रोमन कैथोलिक चर्च ने मान्यता दी। इसमें HIV, एड्स, कुष्ठ, ऑर्थोपेडिक के रोगियों के लिए धर्मशालाएं, घर शामिल थे और साथ ही रसोई, बच्चों और परिवार के लिए परामर्श कार्यक्रम, अनाथालय और विद्यालय भी थे। मदर टेरेसा को पद्मश्री, नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न, मेडल ऑफ फ्रीडम जैसे सम्मानों से नवाजा गया है। 1971 में आज के दिन महिला समानता दिवस की शुरुआत हुई। न्यूजीलैंड विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने वर्ष 1893 में महिला समानता की शुरुआत की थी। इसके बाद महिलाओं को समानता का दर्जा दिलाने के लिए लगातार संघर्ष करने वाली एक महिला वकील बेला अब्जुगके के प्रयास से वर्ष 1971 से अमेरिका में महिला समानता दिवस मनाया जाने लगा। भारत में आजादी के बाद से ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार तो था, लेकिन पंचायतों और नगर निकायों में चुनाव लड़ने का कानूनी अधिकार 73वें संविधान संशोधन से मिला। 1975 में आज के दिन स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार एवं पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर नारायण सुब्बाराव हार्दिकर का निधन हुआ। 1978 में आज के दिन जॉन पॉल रोमन कैथोलिक चर्च के पोप बने। 1982 में आज के दिन म्यांमार की नेता आंग सांग सूची मोर्चा लेकर रंगून पहुंची। 1994 में आज के दिन इंसानी दिल को चलाने के लिए पहली बार बैटरी का प्रयोग किया गया। 1999 में आज के दिन माइकल जॉनसन ने 400 मीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया।